तारीफों के पुल बांधकर अमृता सिंह को अपनी करियर में सबसे ज्यादा श्रेय देते हुए सैफ अली खान ने जिस तरह से अपनी एक्स वाइफ को तवज्जो दिया, उनका सम्मान किया और साथ साथ में अपनी बेटी सारा अली खान अपने बेटे इब्राहिम अली खान के साथ स्पेशल वक्त गुजारते हुए दिवाली हो या फिर क्रिसमस उनके साथ वक्त गुजारा, उन्हें क्रिसमस पर तोहफा दिया, वो लाजवाब सैफ का अंदाज लोग अब तक भूल नहीं पाए कि एक और बड़ा नायाब तोहफा आलीशान तोहफा लेकर आए हैं सैफ अली खान अपनी बेटी और अपने बेटे के लिए। वेल, अमृता के घर बड़ा आलीशान तोहफा लेकर आए थे सैफ अली खान। हाल ही में अमृता के घर जुहू पहुंचे थे सारा अली खान के पास सैफ अली खान कुछ पेपर कागजात के साथ, जिसके बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन जो करोड़ों की संपत्ति दे चुके हैं अमृता सिंह को सैफ अली खान। तलाक के बाद वो सैफ अपने बच्चों को और अपने नन्हे तैमूर को बराबर का तवज्जो देते हुए हाल ही में जब नजर आए खुशखबरी देते हुए कि वो अपने बेटे इब्राहिम के लिए अपनी जो गर्ल्स थी जो उनकी जिंदगी की बहुत ही ज्यादा स्पेशल मोमेंट्स थी उसे भी उन्हें देने के लिए तैयार हैं, तो भाई खुशी का मौका बनता है, क्योंकि वाकई में यह सुनकर सारा और इब्राहिम बहुत खुश होंगे कि उनके पापा अब पूरी तरह से एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब उनका जनरेशन अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में जवानी जाने मन के ट्रेलर को लेकर हाल ही में सैफ अली खान जब पहुंचे सॉन्ग को लेकर, तो वहां पर लॉन्च के मौके पर उन्होंने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। तो इंतजार किस बात का है, आइए देखते हैं ये स्पेशल वीडियो, सुनते हैं सैफ की ये बहुत ही दिलचस्प बातें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना से बेपनाह प्यार करते हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन सैफ अली खान करीना कपूर से जितना प्यार करते हैं उतना ही ज्यादा सम्मान वो देते हैं अपने परिवार वालों के बीच अपनी एक्स वाइफ यानी कि वन एंड ओनली एक्स वाइफ अमृता सिंह को। हमारे इस रिपोर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पर सैफ अली खान ने अमृता सिंह को दी गुड न्यूज। सैफ अली खान को अमृता को तारीफ करते हुए देखा गया था, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए अगर इसके अलावा खास तौर पर नजर आने वाले सितारों के बीच यहाँ पर सितारों के बीच उन सभी लोगों की जिन्होंने हमेशा तारीफें लूटी हैं सैफ के जुबान पर, तो सबसे ज्यादा वो अमृता सिंह है, जिस अमृता को अपना आलीशान मकान तक करोड़ों का तोहफा अमिताभ बच्चन के साथ साथ जब तमाम सेलिब्रिटीज के साथ काम करने वाली अमृता ने सैफ का हाथ थामा शादी के लिए, तो उन्होंने बेशकीमती हार, बेशकीमती सामान, बेशकीमती जेवर जायरात तोहफे में दिया। सैफ अली खान ने आलीशान तोहफा अमृता को उस वक्त दिया, और फिर उन्होंने शादी कितने सालों बाद तलाक लेने के बावजूद जब 16 साल बाद उनकी तारीफ की और फिर उनके बच्चों को प्यार लुटाते हुए उनके घर पहुंचकर जब उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ उनके लिए तैयार किया अपना काम, तो सच में गुड न्यूज थी इसके ज्यादा और क्या खुशखबरी हो सकती है। अमृता सिंह के घर वाकई में बच्चों को लेकर झूमते हुए सैफ लेकर आए हैं बेहद ही बड़ी गुड न्यूज, जिससे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में वाकिफ जरूर कराना चाहेंगे। चलिए हम आपको बता दें कि कैसे सैफ अली खान ने दे दी है गुड न्यूज, कैसे सैफ अली खान ने गुड न्यूज दी है और उस गुड न्यूज के बारे में उन्होंने बात की है, सुनिए इस वीडियो में। Standing, you're getting very emotional. I was like trying to hold myself together. Thank you so much, Seth. That means a lot coming from you. I was only able to give my best because I was surrounded by people that enabled me to give my best. I could have never done it with, every day was just so much fun. Like everyone is saying, it really was. I was like, is this what shooting a film is like? It's because, I don't know. Every day I came back to my room and I just felt so rewarded and so happy and so content with what I've done. And, I'm just grateful I got to do it with such talented people and learn so much on my way. सर जी आपके सामने जी भाई, क्या जवानी ढलने का डर लगता है आपको? नहीं, जवानी शायद कब की ढल गई थी यार, बट नहीं, मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल। I have these issues. मैंने कभी सोचा भी नहीं। I think, you know, if you're young at heart, if you feel good, it's fine. I don't even really want to be very young. I mean, I don't want to be old, but
No, I'm happy, you know. I mean, I'm clear in my life. लोग बोलते हैं ऐसे कपड़े पहनो तो आप young लगोगे, आप ऐसे बाल कटवाओ तो आप young लगोगे. मुझे ज़्यादा young लगने का कभी वो pressure है ही नहीं. जब तक काम मिलता है मिलता रहेगा, जब हम retire करेंगे तो retire हो जाएंगे, chill करेंगे. You should know how to live. I like this nice Hindu idea of एक time होता है where you should try and make money, एक time होता है when you should relax. You know, there's a time for everything in life. And when that comes, I'll find other things to do. And I'll be very happy. I have no issues with getting older. I look forward to it. Did Sara saw? See, saw. She saw the trailer. Of course she saw it, yeah. She said it's really good. She said it's the best trailer she's ever seen. What else will she say? मैं ये कहूँगा कि इस फिल्म को हमने नहीं, इस फिल्म ने हमें चुना है. एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सैफ अली खान, राइट? सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड आई हैव टू से वन थिंग, वी आर आल्सो हैप्पी, सॉरी दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस फिल्म. एंड व्हेन ही सॉ जिने मेरे दिल लुटिया, ही वाज ऑल ही केप्ट सेइंग इज दिस इज द सैफ अली खान आई एम अ बिग फैन. Please sir. I'm a big Ranveer Singh fan. Even you? I am too, yeah. Yes. I'm in here. Yes, hello. Well, Taimur and I often go to the same club. And we often like the same girl. But then I pick him up and send him home. Ibrahim is a bit bigger than me, so I don't know if I can do that. So, you know, it balances out. I think I will leave girls in pubs to Ibrahim. And stay home and read to Taimur. I'm an old man now, I'm just pretending to be cool. Not at all. Sara's extremely successful and very good at what she does. And so being pitted against her is a great thing. You know, your own... I don't know, it was my good luck I got this film. I'm very grateful. And I can't imagine having any other film for my first film. So that's all. Yeah, well, congratulations for the energy. Everybody's been praising you. What I want to ask you is, like, playing this character, like, as it's called Playboy in the 90s, like, what a few films, and now, what's the difference that you find? You know, that's the thing. I think he had asked me that, I didn't answer it. The thing to find something different somehow, you know, and it's all about the director and about the writing. So we were also conscious, we can't do the same thing. It looks like the same thing, that is kind of a playboy, but it's a quite a slightly sad character in the sense that, you know, he's stuck somewhere. So this film is about acceptance. It's about accepting a certain age and responsibility. You don't even know. Actually, people don't realize when they get a little older. Suddenly, you know, the world has changed. And it's a moment where you realize that, you know, it's no longer right for you to be in the nightclub doing these kind of things. So I think it's really well written and it's really quite an intelligent piece of filmmaking from the director's part, you know. So it's not, I don't know how to, can you help me out a little? Yeah, that's it. So am I answering the question? More questions, please. Jackie, being an actor yourself, what was your key point to pick up the film as a producer? Like, why did you end up... That's a good question, yeah. Yeah, really. Budget. Nitin ji. Yeah. You know him. Nitin sir, of course.
I had just come out of Mitro, and I thought that I just feel whatever Nitin sir makes is just outstanding. He's one of the best filmmakers I know myself. The script, of course, Saif Ali Khan, of course, and Jai Shivakramani. I think it was the combination of all four where we felt that. मैं वी इसलिए बोल रहा हूँ एक दो बार मैंने आए बोल दिया तो मुझे घर पे बहुत गाली पड़ी वी फेल्ट दैट इज द राइट डिसीजन टू मेक सॉरी आई जस्ट रिमेंबर्ड व्हाट आई वाज गोइंग टू से सो नॉर्मली वी प्लेड दीज रोल्स अबाउट बीइंग कंफ्यूज्ड अबाउट रिलेशनशिप्स विद वुमेन एंड गर्लफ्रेंड्स एंड हैविंग दैट सो आई थॉट इट्स राइट फॉर मी एट दिस एज टू प्ले समथिंग सिमिलर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दैट पीपल लाइक बट अबाउट व्हाट इफ यू मेट योर डॉटर यू नो And you're not ready for that. So it's a much more different family-based kind of equation about the same sort of thing. But it's not about girls. It's about yourself and growing up and your daughter. So in that sense, it's much more of a family movie. So we thought at this age, it would be right to play this. Well, friends, ye tha Pachaudi Khandan ke nawab Saif Ali Khan ko lekar hamara behad hi special program. Saif aur Amrita ki jodi jo kabhi 90s ki top jodi real life ki hoti thi. Wo Amrita Saif se bhale alag ho gayi ho lekin talaq ke bawajood wo unse milti hai. Is baat ko swikar kiya tha. सारा अली खान को लेकर खुद सैफ अली खान ने बताया वो उनके घर जाते हैं और यहाँ तक कि डिनर भी उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था जब सारा के ग्रेजुएशन सेरेमनी में सैफ और अमृता साथ रहे थे तो जाना आपने वो क्वालिटी गिफ्ट किया था सैफ अली खान का अमृता सिंह के लिए वो कीमती वक्त ही है तोहफा सबसे बड़ा जो आप भी देते हैं वो अमृता सिंह को वेल दोस्तों अब यही लेंगे इजाजत बॉलीवुड की लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ बाय बाय एंड टेक केयर